हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? चलिए, मैं प्रजापति सर, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे हाउ वी कैन मेजर द इनर्शिया, मीन्स मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानने के पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ लिया जाएगा क्या होता है लीनियर मोमेंटम, तब जाकर हमको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर होगा। ठीक है, इसके साथ ही पिछले वीडियो में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उससे कौन कौन से टाइप है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, पहले देखेंगे हाउ वी कैन मेजर द इनर्शिया। ठीक है, और सभी लोग जो हैं, हम चाहते हैं कि ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे, सभी लोग इसका लाभ उठाएं, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मैक्सिमम बच्चे इसको जान सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें, जिससे फिजिक्स जो है इजी से इजी लैंग्वेज में सब लोग आसानी से समझ सकें। ये मेरा पर्पज है, ये मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने का। ठीक है ना, चलिए भाई। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि हाउ वी कैन मेजर द इनर्शिया, जिसमें शॉर्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मीन्स हाउ वी कैन मेजर द इनर्शिया। देखिए, फॉर द इनर्शिया आप जानते हैं कि इफ एनी बॉडी और इफ एनी ऑब्जेक्ट इज गोइंग ऑन इन स्टैटिक पोजिशन, देन इट विल बी कंटिन्यू इन द सेम पोजिशन, एंड इफ इट इज इन मूविंग स्टेट, देन ऑल्सो इट इज कंटिन्यूअस इन द स्टेट ऑफ मोशन। दिस थिंग क्लियर? ठीक है, तो बॉडी मास क्या है, लगातार या तो स्टेटिक रहेगी या तो लगातार मूव कर रही है। अब क्या है, अगर उसके स्टेट को चेंज करना है, क्या करना है, अगर उसके स्टेट को चेंज करना है, देन व्हाट टू डू, क्या करना होगा हमको, इन दैट कंडीशन हमें करना क्या होगा, हमको जो है उस पर फोर्स लगाना होगा। ठीक है, अब फोर्स कैसे लगाएंगे, अगर देखिएगा जो अगर छोटी ऑब्जेक्ट है उसको चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। भारी ऑब्जेक्ट है तो क्या हो गया, अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, और भारी हो गया और फोर्स लगाना पड़ेगा। कई ब्लॉक आपके पास हैं, छोटे ब्लॉक, बड़े ब्लॉक, बड़े ब्लॉक, बड़े ब्लॉक, जैसे जैसे ब्लॉक की साइज बढ़ती जा रही है वैसे इसको अगर चलाना चाह रहे हैं, इनर्शिया रेस्ट से इसको मोशन लाना चाह रहे हैं, तो हमको क्या है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ऐसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, छोटी ऑब्जेक्ट है, आराम से इसको रोक लेंगे, हैं, क्रिकेट का बाल है कितना तेज आता है रोक लेते हैं, वहीं ट्रेन आ रही मोटर कार आ रहा तो, ट्रक आ रही तो, इन दैट कंडीशन दिस मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल बाई सिंपली वी कैन स्टॉप। ओके, मतलब इससे क्लियर हो गया कि जो चीज जितने भारी होगी उतना ही उसके स्टेट को चेंज करने में ज्यादा फोर्स लगेगा। दैट्स वाई वी कैन से द मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उसमें उतने ही ज्यादा क्या होती है, इनर्शिया होती है, क्योंकि उसको या उसके स्टेट को चेंज करने में हमको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ हो गया हमारा हाउ वी कैन मेजर द इनर्शिया, इनर्शिया कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। छोटा ऑब्जेक्ट है कम इनर्शिया, ज्यादा ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ज्यादा इनर्शिया होगी। सो वी कैन से हाउ वी कैन मेजर मीन्स इनर्शिया कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, hence we can say, hence mass is the, क्या हो गया, mass is the measurement of inertia. clear हो गई? ठीक, how we can measure, with the help of mass we can measure the inertia. अब पूछ लिया जाए, दो ऑब्जेक्ट है, एक साइकिल है, एक मोटरसाइकिल है, किसकी ज्यादा इनर्शिया होगी, जिसका अधिक मास होगा, सिंपल सा है। मोटर कार है, ट्रक है, किसकी अधिक इनर्शिया है, जिसका मास ज्यादा है। क्लियर हो गया, विद
हेल्प ऑफ मास वी कैन मेजर द इनर्शिया। चलिए अब आते क्या है, अब आएंगे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उससे जानने के पहले मुझे जानना होगा लीनियर मोमेंटम एक वर्ड क्या था, एक सेंटेंस होता है या एक फिजिकल वर्ड है, फिजिकल मीनिंग है क्या होता है। नेक्स्ट आज मैं टॉपिक हमारा है लीनियर लीनियर मोमेंटम, ठीक है, क्या हो गया लीनियर मोमेंटम। ये क्या होता है भाई, मोमेंटम क्या है समझो, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ध्यान कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, मूव तो किसी बॉडी का मूवमेंट किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। पहला डिपेंड करेगा कहाँ पे, कितना उसका मास है, कम मास है तेज चलेगी, ठीक है, ज्यादा मास है धीमे चलेगी। इसके अलावा व्हेन वी अप्लाइड फोर्स, सेम मास की ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे बॉडी का भी तेज चलेगी, ठीक, फोर्स कम लगाएंगे बॉडी का भी धीमी चलेगी, क्लियर है। अब एक ही बॉडी हमारे पास है, वो कितना धीमा कितना तेज चल रही है, हाउ वी कैन मेजर, ठीक, इसको मेजर करते हैं इसकी स्पीड से, इसकी वेलोसिटी से। अगर फोर्स क्या है, अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो उसका क्या हो गया, उसका मोमेंट ज्यादा होगा, फोर्स कम लगाएंगे मोमेंट क्या होगा, कम होगा, असल में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या, इस प्रकार से अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम है, दिस मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट इज सेम देन मास इज कांस्टेंट, एंड इफ मास इज कांस्टेंट देन द मेजरमेंट ऑफ द बॉडी और मेजरमेंट ऑफ द इनर्सी ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ वेलासिटी ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी मोमेंटम सिंस मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट बट स्पीड कैन बी चेंज, ठीक है, स्पीड ज्यादा है कि कम है। अब किसी भी बॉडी में अगर मोमेंटम ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, मोमेंटम कम है स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई अब डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी, क्या हो गया द फिजिकल क्वांटिटी Which measure the quantity of motion is known as linear momentum, ठीक है ना। और क्या होता है भाई, उसका मास है पूरा, उसका मोशन कहां डिपेंड कर रहा है, मास पर, सेम फोर्स लगा दिया मास ज्यादा है कम वेलोसिटी भी ना, दिस मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकली क्या हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, क्या हो गया मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्या हो गया भाई, लीनियर मोमेंटम। फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर जो बनेगा फॉर्मूला इसका ऊपर लिखते हैं भाई, इज नो डाउट नोट करिए फट से, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम इसका सिंबल क्या है, पी, ठीक है ना, पी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी विद कहेंगे क्या है, वेक्टर लगा दिया जाता है, अगर वाले क्या है, पी पे क्या लगा दिया गया, एरो, इसमें क्या दिस शोज वेक्टर क्वांटिटी है, पी इक्वल टू क्या हो गया मास एम एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई बी, ठीक है ना, देखो फॉर्मूला क्या हो गया, पी इक्वल टू हो गया एम बी, ऐसा लिखिए या वेक्टर पी इक्वल टू दो चलेगा, ये फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन आएगा अगर क्या चल गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म हो गया, और
पी इक्वल टू क्या आ गया, अगर केवल नंबर का वैल्यू चाहिए तो क्या हो गया, इसे बोलते हैं स्केलर फॉर्म, क्या हो गया स्केलर फॉर्म हो गया, ठीक है, क्लियर होना चाहिए चीज। पी इक्वल टू एम बी वेक्टर भी होता है, और अगर मान ली क्या निकाल रहे हैं क्योर मैग्नीट्यूड, अगर डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं तो उसका क्या आ जाएगा स्केलर फॉर्म हो जाएगा, ठीक। एक ऐसी क्वांटिटी क्लियर है, इट इज क्या है नोट करिए, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी विद वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। पर यूनिट, इट्स यूनिट क्या भाई, इट्स यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट यूनिट क्या हो गया हमारा, मास लिखा होता है किलोग्राम, वेलोसिटी क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्लियर सिंपल थिंग है, ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, दोनों सही है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, ठीक है। आपके जैसे कोई कह जाएगा लीनियर मोमेंटम क्या है, कोई बॉडी मूव कर रही है उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, बट दिस बॉडी शुड बी मूव ऑन द स्ट्रेट पाथ, ठीक है। वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी आपकी, ठीक, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है then what happened, then magnitude and direction both should be fixed, तब क्या हो गया, मेरे पास चेंज या वेलोसिटी आएगा तब वैल्यू वहां चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए भाई तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया लीनियर मोमेंटम हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए भाई, न्यूमेरिकल देखो, एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट मास कितना लिया उसका मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 50 केजी इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स लीनियर मोमेंटम, कितना हो जाएगा भाई, पहले क्या लेंगे हम, पहले क्या गिवन है, क्या दिखाएंगे, गिवन, गिवन क्या हो गया, मास, मास हो गया आपका एम, कितना हो गया 50 किलोग्राम हो गया, ठीक है, और क्या दिया है, वेलोसिटी गिवन है, क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है v, कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर क्या होगा फॉर्मूला, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया, p इक्वल टू क्या होता है, यहाँ हो गया मास m इंटू हो गया वेलोसिटी, समझ गए, दोनों इंटू कर दो v ना, मास कितना हो गया 50 इंटू 10 कितना आया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सिंपल इज आंसर, ओके क्वेश्चन क्लियर। चलिए सही भाई, एक और सवाल लगाते हैं, नोट कर लिया, नोट करिए, अदरवाइज वीडियो पॉज करिए फिर नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है ना। चलो एक सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखिए, सेकेंड दूसरा सवाल देखिए, फिर क्या कहते हैं, वहां वाले कोई ऑब्जेक्ट है मिटाएं इसको भाई, चलिए मिटा रहे, अगला सवाल क्या है, एन ऑब्जेक्ट स्मॉल हो गया सेम, एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 50 केजी, हैविंग मास क्या हो गया 50 केजी, तो मास 50 केजी क्या होता है हमने, एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 50 केजी इज स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट पोजीशन इफ इट हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकंड ऑफ मोशन, ये निकालना है। देखो इसमें क्या है, दो कॉन्सेप्ट एक साथ आ गया, एक क्वेश्चन आप मोशन जो पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं वो भी लगेगा, साथ साथ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला भी लगेगा, ध्यान देना। चलो पहले हम क्या गिवन है, क्या गिवन हमको है, गिवन है इनिश क्या मास गिवन है, कितना मास है भाई, ये मास हो गया 50, मास एम मान लेते हैं कितना हो गया, ये हो गया 50 केजी हो गया, यहां स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट पोजीशन दिस मींस व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखते हैं यू, कितना हो गया, यहां सीधे यू लिखो, यू मन से क्या यू मीन व्हाट, यू मीन सिंपली इनिशियल वेलोसिटी होती है, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, आपने यू लिखा दिस मींस दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, कितना हो गया 0, क्यों, क्योंकि चल रहा है रेस्ट पोजीशन से 0 मीटर पर सेकंड, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है किसे लिखते हैं ए से, कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करा फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकंड, अर्थात क्या निकालना है हमें, टी देखो क्या दिया 5 सेकंड दिए, हम क्या निकाल लेंगे
हम 5 सेकंड के बाद उसका निकलने वेलोसिटी वेलोसिटी मालूम हो जाए, मास करे से मालूम है। क्लियर हुआ? वी निकालना है, देखो हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन नंबर जाइए क्वेश्चन नंबर मोशन पे, तुरंत कहीं लिख लो, अगर दिक्कत हो कहीं लिखो रफ पे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। देखो यहाँ पे v है, u है, a है, t है, सेकंड में s है, s नहीं गिवन है, सेकंड नहीं लगेगा, थर्ड में s है, s यहाँ गिवन नहीं है, हमें निकालना नहीं है, नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा फर्स्ट, क्लियर होगा, लेकिन देखो क्या गिवन है, हमें क्या चाहिए, ठीक है ना, अगर s भी आता तो हम सेकंड और थर्ड जाते, ठीक है, तो ये क्या लगेगा, टाइम देखो अगर टाइम दिया है फर्स्ट और सेकंड जाएंगे तो इसका क्या हो गया, यहाँ का देयरफॉर फ्रॉम क्या लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या हो गया मोशन, फॉर्मूला क्या था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v कितना भाई निकालना, u जीरो हो गया, a हो गया फोर, और t कितना हो गया फाइव, v कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है, कितना क्लियर होगा, अब क्या निकालना है, अब निकालना आपको लीनियर मोमेंटम निकालना है, फॉर्मूला क्या उसका होता है, अब देखो m मालूम हो गया, v मालूम हो गया, क्या लिखेंगे देयरफॉर क्या हो गया लीनियर लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा p इक्वल टू m इंटू v होता है, कितना m आ गया भाई, m दिया 50 kg इंटू कितना हो गया यहाँ 20 आ गया, कितना इसके पास है मोमेंटम p इक्वल टू आ जाएगा 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखो भाई यूनिट लिखना मस्त है, यूनिट को लिखना अंत में बहुत जरूरी है, नहीं मास कट जाता है, आई होप इसमें क्लियर, तो किस प्रकार से आप निकालते हैं मोमेंटम, ये क्या है मोमेंटम कैसे हम फाइंड करेंगे, ये आपका ये तरीका हो गया, दिस इज द मोमेंटम आप निकाल लेंगे आराम से, हैं क्या निकालना प्रयास कीजिए, हाउ वी कैन फाइंड एम, एम दिया रहेगा, ठीक है, कैसे आप वी निकाले, जैसे वी निकलेगा तुरंत ही आपको मोमेंटम वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन ध्यान पढ़ना है, फिर क्या क्या गिवन है उसको देखना है, फिर क्या है फिर हमको निकाल देना है, समझ में आया, क्लियर हुआ, चले आगे, चलिए एक सवाल और देखते हैं मोमेंटम का, एक सवाल और देखते हैं, देखो भाई मान लो यहीं देखते थे थोड़ा एन ऑब्जेक्ट है, क्या है उसका मास कितना हो गया 50 kg है, मास कितनी है, मास कितना उसका 50 kg, चलो एन ऑब्जेक्ट कोई है मास 50 kg, ठीक है दिस इज अ क्वेश्चन, 50 kg इज क्या स्टार्ट मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर सम टाइम इट्स फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड फाइंड चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या निकालना है चेंज निकालना है, फिर से लिखिए क्या दिया है मास m कितना है 50 किलोग्राम हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया u 5 मीटर पर सेकंड, फिर क्या दिया फाइनल वेलोसिटी क्या v कितना 15 मीटर पर सेकंड, अब क्या निकालेंगे देयरफॉर इनिशियल क्या निकालेंगे इनिशियल लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना, जो पी वन हो जाएगा कितना हो गया एम इंटू क्या हो गया यू ना एम इंटू यू एम कितना 50 हो गया इंटू हो गया 5 कितना आ गया 250 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, फिर क्या निकालेंगे एंड निकालेंगे फाइनल लीनियर मोमेंटम मोमेंटम कितना हो गया पी टू ये कितना हो जाएगा एम बी आ जाएगा क्या एम बी आ जाएगा वी कितना भाई एम हो गया 50 इंटू 15 है ठीक है कितना आया कितना है भाई हाँ यहाँ पे आप 5 अपना हो गया 15 5 जाए 75 ना 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड फिर क्या निकालना है अब निकाल देना है चेंज ऑफ मोमेंटम फिर क्या निकालना है देयरफॉर चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ठीक है इसे बोलते देखो यहां जो ट्राइंगल टाइप मैंने क्या बोलते हैं डेल्टा पी डेल्टा मैंने क्या होता है डिफरेंस डेल्टा मीन्स क्या होता है डिफरेंस क्या हो गया फाइनल मोमेंटम मीन्स पी टू माइनस क्या पी वन
देयरफोर कितना आया है, डेल्टा पी आ जाएगा 750 माइनस कितना हो गया 250, कितना है भैया, दिस मीन्स डेल्टा पी आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारा हो गया कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, हाउ वी कैन मेजर इनर्शिया, क्लियर हुआ आपको। एक और फॉर्मूला आएगा आप पर से क्योंकि पीछे क्लासेज में काइनेटिक एनर्जी जो के इक्वल टू था हाफ एम बी स्क्वायर या हाफ एम यू स्क्वायर, आगे हम प्रूव करेंगे अगले चैप्टर में आएगा एनर्जी वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दे दिया जाता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, क्या कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसके कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े अच्छे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तो उसको देखिएगा आप। अभी इतना समझिए ऐसा में, ओके भाई, थैंक यू।